देखिए हम तो बीजेपी छीला रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए तो रिजाइन करने का बात नहीं है, तो टीएमसी में नहीं ही आए। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल मैटर, सो वी डोंट केयर। बंगाल चुनाव के बाद आप वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे, बीजेपी ने कहा था कि आपने धोखा दिया है, अब क्या धोखा वापसी हो जाएगी आसानी से? धोखा मोखा कुछ दिया नहीं है, अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे, पॉलिटिक्स से थोड़ा धीरे से चल रहा है। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए हम तो बीजेपी छीला रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए, अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। तो आप टीएमसी से रिजाइन करेंगे? टीएमसी से रिजाइन? हम तो रिजाइन करने का बात नहीं है, तो टीएमसी में नहीं ही आए। ऑलरेडी रिजाइन कर दीजिए। हमने देखा है कि कल मुकुल रॉय के बेटे ने बोला है कि उनके फादर अचानक से जो है मिसिंग हो जाते हैं, और इस समय होना 2024 के चुनाव से पहले, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई एजेंसी या पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है जिस वजह से फिलहाल वो दिल्ली में है और बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं? देखिए बात ये है, हमको बोलना नहीं चाहिए, उनका लड़का, उनको लड़का ने बोला एफआईआर में, एफआईआर किया उन्होंने लड़का को, उसका लड़का कि हमारा फादर मिसिंग है, कोई दो आदमी हमारा फादर को लेके चला गया, कोई एजेंसी का मार्फत, ये बात तो उनका बेटा बोला। इट इज बेटर यू कैन आस्क द अदर क्वेश्चन टू हिज सन। आई थिंक यू नो हाउ बीजेपी इज बिहेविंग। मे बी कोई थेट किया था, कुछ किया था, लेकिन वो तो बीजेपी का ही है मेरे। मुकुल रॉय ने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी टीएमसी ज्वाइन नहीं किया है और उन्होंने बीजेपी के लिए ही काम किया है और अब वो बीजेपी के लिए ही आगे काम करेंगे। आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज ही इज अ बीजेपी एमएलए एंड यू कैन आस्क द डिटेल्स टू हिज सन। विरोधी दल नेतार वक्तव्य कालकेर, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल मैटर सो वी डोंट केयर। विरोधी दल इट इज बेटर टू इग्नोर। विरोधी दल नेता बट मिसिंग केसेस वेरी सीरियस।